हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरे वीडियो पे न्यू है ना, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लगती है और प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो ना बहुत छोटी है और अभी मॉर्निंग में सभी काम मैं कर ली थी और बस इसके बाद मैं पूजा कर रही हूँ। और पूजा करने के बाद ना मैं जो है ब्रेकफास्ट अभी तक नहीं की हूँ और पूजा करने के बाद ही मैं कुछ भी खाती पीती हूँ। और गर्म पानी चाय ये मेरा हो गया था और बस अब इसके बाद मैं ना चलूंगी। क्या बनाती हूँ? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, बज रहा है 12 और मैं सुबह में कोई भी अपना जो है ना रूटीन आप लोग के साथ शेयर नहीं की हूँ। और पता नहीं क्यों आज ना वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद मैं नहा धो ली हूँ और पूजा पाठ कर ली हूँ ना, तो मुझे मन हुआ कि आप लोगों से बातें करूँ और कैमरा मैं उठा ली हूँ वीडियो शूट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी जो सुबह में डेली मेरा रूटीन रहता है ना, उठ के जो मैं करती हूँ, मैं गर्म पानी पी हूँ, चाय ली हूँ, वर्कआउट की हूँ, हाँ खाई कुछ नहीं हूँ। तो मैं अपने लिए ना अभी स्प्राउट जो है बना ली हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं 32 बार जब से की हूँ तब से स्प्राउट ही खाती हूँ, नहीं, मैं जब शुरू की थी ना उस समय मैं रोटी चावल सब्जी जो मैं घर का बनाती थी उसी से मैं शुरू की थी। और मेरा 15 दिन में ही ना 5 केजी वेट लूज हुआ था और मेरा 4 महीने में 15 केजी वेट लूज हुआ था। 1 महीने से मैं मतलब अपना वेट करवाने नहीं गई हूँ और 75 से मैं 60 हो गया है मेरा। और मैं अपने लिए कुछ भी अलग से नहीं की हूँ, ये जो डाइट है ना बहुत सिंपल और सादा है। और भर भर थाली में खाना खाई, भर भर थाली मतलब कैसा नहीं है 5 रोटी ली हूँ, नहीं, 1 रोटी ली हूँ, पूरा कटोरी भर दाल ली हूँ, ढेर सारी सब्जी ली हूँ, सैलेड ली हूँ। जब आप इतना लेते हैं और 32 तो पहली बार दिमाग से हटा दीजिए, आप 40 से 50 बार लेके चलिए। जब आप उसको पानी बना के अंदर लेंगे ना तो आपका पेट भी भर जाता है और आपका फैट भी बहुत तेजी से कम होता है। और मैं खाना खाने के 1 घंटे के बाद जो है ना ग्रीन टी ली हूँ। और खाना आप खाइए तो बीच बीच में पानी एकदम नहीं पीजिए। मैं राजीव दीक्षित का 4 साल 5 साल पहले से वीडियो देखती हूँ तो मैं उस समय से ही पानी को तो मैं छोड़ दी हूँ, खाना खाने के साथ मैं ना पानी पीती ही नहीं हूँ। मेरे घर कोई नहीं पीता है, खाना खाने के 1 घंटा 2 घंटा बाद ही हम लोग पानी पीते हैं। और उसके बाद मैं वर्कआउट भी की हूँ, वॉक भी की हूँ और 32 बार भी की हूँ। इसके चलते मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत जल्दी मिला, इससे मेरा वेट भी लूज हुआ, मेरी बहुत सी बीमारियां खत्म हुई। तो आप लोग भी चाहें ना तो इसको कर सकते हैं, बहुत बड़ा हौवा नहीं है। और मैं भी पहले यही सोचती थी कैसे होगा कैसे होगा, तो आपसे भी हो जाएगा। अगर देखिए, ये ना मेरा लाइफ स्टाइल बन गया, 32 बार मेरा लाइफ स्टाइल बन गया, मेरा अच्छे से वेट लूज हो गया है। मैं चाहूं तो 32 बार को छोड़ सकती हूं, लेकिन नहीं, मैं अपने जीते जी 32 बार को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि 32 बार के चलते मैं यहां ना इतनी अच्छी खासी, इतने अच्छे से आप लोगों से बात करती हूं। नहीं तो मेरा तबियत ना हमेशा खराब रहता था, मेरे घर वाले भी उठ गए थे मेरे तबियत को लेके, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड। तो इसलिए मैं 32 बार के चलते ही मैं बहुत फिट हूँ, तो इसलिए मैं 32 बार को नहीं छोड़ूंगी। और मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैं सब कुछ तो खाती हूँ। हाँ, पहले मैं जो है ना ठूसती थी, अब खाती हूँ, क्योंकि 4 रोटी 5 रोटी फटाफट डालते जाती थी और 5 रोटी ना मुश्किल से 5 मिनट लगते थे, खा जाती थी, बॉडी हो गया था एकदम बेढब्बा सा और बीमारियां 50 तरह की आ गई थी। तो वो चीज मेरा हट गया 32 बार के चलते, तो फिर वो लाइफ स्टाइल मैं क्यों लाऊंगी, नहीं लाऊंगी। और मैं इससे बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी आदत पड़ गई है, 32 बार के अलावा ना मैं जी ही नहीं सकती, मैं रह ही नहीं सकती। तो आप भी चाहे ना तो अपने जीवन में 32 बार को उतार सकते हैं और उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा लगेगा। और आप लोग देखिएगा, देखिए सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता, आप मन में ठान लीजिए कि हमें 32 बार करना है, हमें स्वस्थ रहना है। और ये जो उम्र है ना, अब ये आपका बीपी, थायराइड और शुगर ये सब अब होने वाला है, लेकिन 32 बार आप करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो आपको ना कभी भी ये सब बीमारियां नहीं होंगी, बहुत कम चांस रहेगा होने का। तो स्वस्थ अगर रहना है तो ये अपने जीवन में ना करना होगा। एक चीज और हम लोग गलती करते हैं, जैसे मैं बाबू को खाना खिलाती थी ना तो खाते रहता था, आज भी वो करता है, 4 चम्मच 5 चम्मच छोड़ देता था। तो मैं सोचती थी ना बाहर क्या फेंकने जाऊं, मैं उसको खा लेती थी, तो वो भी, वो जो मैं एक्स्ट्रा खाती थी ना वो भी फैट में कन्वर्ट होता था। तो हमें ये गलती नहीं करना चाहिए। अभी बाबू छोड़ता है ना तो मैं नहीं खाती हूँ, अगर मेरी बेटियां बैठी रहती हैं, अगर उन लोगों को मन करता है, क्योंकि देखिए हम लोग अनाज फेंकना नहीं चाहते हैं। और मैं तो खास करके अनाज का बहुत वैल्यू समझती हूँ, क्योंकि मैं बहुत भुक्तभोगी हूँ अनाज के लिए।
तो मैं बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ, मैं नहीं फेंकती, यहाँ तक कि रोटी भी रात की बचती है ना तो मैं सुबह में उसको सेक के खा जाती हूँ। चावल भी रहता है ना, इतना भी चावल रहेगा तो ऐसे नहीं खाने का मन होगा, फ्राई कर लेती हूँ। ये हर लेडीज के साथ है, तो बस हम लोग को ये करना है कि कभी भी हस्बैंड का छोड़ा हुआ, खैर मैं तो हस्बैंड का छोड़ा हुआ नहीं खाती हूँ, बच्चे का ही खाती थी, मेरे हस्बैंड छोड़ते ही नहीं है उनको, जितना शुरू से जितना लेना रहेगा ना, उनको तीन का भूख रहेगा पहले कहेंगे अंशु एक रोटी दो, दो दो ऐसे करते हैं, बस छोड़ता है तो मेरा बाबू उसको खिलाती, अब मैं उसका भी नहीं खाती हूँ और मैं एकदम कम लेके बैठती हूँ। तो ये चीज अपने मतलब नहीं करना है, और जब आपको भूख लगे तभी खाइए, बार बार नहीं खाना है। और आप शाम में ना मतलब मैं ना 7-7:30 बजे तक खा लेती हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, पानी पीते रहती हूँ प्यास लगता है, और कभी कभी रात तक जगती हूँ तो मैं खजूर ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे रखी हूँ। तो ये मैं क्या करूंगी ना, मुझे भूख लगती है, मानिए मैं एक ही रोटी शाम में खाती हूँ तो 12 बजे तक जगती हूँ ना तो भूख लग जाती है, तो मैं दो खजूर ले लेती हूँ और एक दो गिलास पानी पी लेती हूँ, बस मेरा पेट फूल हो जाता है। ये मैं की हूँ और बाकी कुछ नहीं की हूँ, घर का ही खाना खाई हूँ और उसी से मेरा इतना अच्छा वेट लूज हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी मैं अपने लिए स्प्राउट तैयार कर ली हूँ, और ये भी मैं रोज नहीं खाती हूँ और ये बहुत हेल्दी है, और मेरे बच्चे भी खाते हैं, तो बिकता है तो मैं भी खा लेती हूँ, नहीं रहता है तो रोटी का नाश्ता कर लेती हूँ, रोटी भी नहीं बनाती हूँ तो चावल का नाश्ता कर लेती हूँ, मैं पुचका भी खाती हूँ, पिज्जा भी खाती हूँ, बाहर जरूर जाती हूँ 15 दिन 1 महीना में, मैं वो भी खाती हूँ, 32 बार चबा के खाती हूँ, फिर भी मेरा वेट कहीं भी ज्यादा एक्स्ट्रा बढ़ नहीं रहा। तो आप लोग का भी जरूर होगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए, और मिलूंगी मैं आप लोग से खाना खा के, और इसको भी थोड़ा थोड़ा लेना है और इसको भी 40-50 बार। तो अब मैं ना थोड़ा थोड़ा इसको चम्मच में ना, तो फुल चम्मच नहीं लेती हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा लेती हूँ, और इसको ना 32 बार मैं चबा करके खाऊंगी, और मैं 32 बार से ज्यादा चबाती हूँ, और एकदम पानी जब बनता है ना, एकदम पानी बन जाएगा जब अंदर आप लोगे ना, तो घटाक से आवाज होता है, जब आप बहुत अच्छे से उसको चबा लोगे तो पानी के जैसा घटाक से आवाज होगा जब आप अंदर लेंगे। तो बस मैं ऐसे ही करती हूँ, और भी और कुछ भी नहीं की हूँ, वर्कआउट की हूँ, और जिस वर्कआउट से मेरा वेट बहुत तेजी से लूज हुआ वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ, और चार